हेलो जी, राम राम जी। सुबह की नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे। सुबह के टाइम देखिए कितना अच्छा मौसम रहता है, हल्की हल्की सी धूप, और फिर जब तेज़ हो जाती है ना तो धूप में बैठ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मम्मी बना रही है उपले, और डंडा रख रखा है अपने पास में ही, क्योंकि बंदरों का तो खतरा रहता ही है हर वक्त, पता नहीं किधर से निकल आए। तो मम्मी ने पहले ही अपना डंडा भी तैयार करके रखा हुआ है, कभी बंदर ही आ जाएं। और कई बार हमला हो भी चुका है वैसे मम्मी पे उस वाली छत पे, जब भी कभी जाती हैं बंदर हमला बोल ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय शाम का टाइम की, और अभी मम्मी को दूंगी, बच्चों को दूंगी, बच्चों का मन कर रहा है। तो ये देखिए उबाल आ चुका है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे? तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30, और मैं ना ऐसे ही बैठी रहती हूँ पूरी रात, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है रात भर। अभी से होना स्टार्ट हो गया है, सुबह तक ऐसा ही रहेगा। बीच बीच में 15-20 मिनट के लिए नींद आती है, और फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, दोनों हफ्तों में होता है। अभी मैं दोनों हफ्तों में ना दुपट्टा लपेट के सोऊंगी। और 10:30 बज चुके हैं, तो लाइट नहीं बुझाई थी मैंने, लाइट बंद कर लेते हैं, और दोनों हफ्तों पे दुपट्टा बांध लेती हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। तो अभी मैं अपना रात का इंतजाम कर लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में आंखें खुलती रहती हैं दर्द के मारे, इतना तेज़ दर्द होता है कि नींद भी नहीं आ पाती। तो अभी मैं इस पे दुपट्टा लपेटूंगी, कल भी मैंने इसी तरह से लपेट लिया था तो दर्द को काफ़ी आराम मिला था। और ये देखिए प्लास्टर के जैसे मुझे ये लपेट के सोना पड़ेगा, और ये नहीं कि एक हाथ पे, दोनों हाथ पे बांधना पड़ेगा ऐसे ही। ये मैं ज़्यादा टाइट नहीं बांधूंगी, नहीं तो ज़्यादा टाइट से भी दिक्कत हो सकती है, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला, ठीक ठाक सा करके मैं इसको बांध लूँगी। वैसे रात को ये खुल जाएगा 1-2 बार, तो मैं इसको तभी बांध लेती हूँ जब भी खुल जाता है। ये वीडियो मैंने सुबह से शुरू की थी, क्योंकि सुबह के टाइम में सारा काम हो चुका था, फिर मैं खीर बना रही हूँ। सोमवार है दिन आज, तो खीर बना रही हूँ। कल संडे था ना, कल एकादशी थी, इसी वजह से मैंने कल खीर नहीं बनाई थी, नहीं तो पापा जी कल ही बोल रहे थे कि खीर बना लेना आज, तो कल तो नहीं बन पाई थी, आज मैं बना रही हूँ सोमवार में। तो चावल की खीर बन रही है, और इसमें खूब उबाल आ चुका है। मैंने चावल उबाले नहीं हैं आज, डायरेक्ट मैंने दूध में ही डाल दिए थे। इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनती है खीर, चावल अगर हम दूध में ही उबालते हैं ना तो ये कड़ कड़ के बहुत ही टेस्टी हो जाती है, और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी। तो अभी देखिए कितने अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है खीर में। इसमें मैं अब चीनी डाल दूँगी, काजू मैंने पहले ही डाल दी थी। खीर के साथ मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो मैंने प्याज भी काट रखी है, हरा धनिया धो के रखा हुआ है, उसको भी काट के इसमें डाल दूँगी। पिट्ठी मैंने बना ली थी, अभी मैं पहले कान्हा जी का पराठा बनाऊँगी, उसके बाद इसमें प्याज ऐड करूँगी। और खीर हमारी बन चुकी है, इस पे आ गई है मलाई, क्योंकि अभी ये ठंडी सी होने लगी है ना, तो मलाई आ गई है ऊपर। और तो अभी मैं सारा वो कर लिया था, सबसे पहले मैं कान्हा जी का पराठा बना रही हूँ, सिंगल ही बनाया है मैंने। खीर के साथ में इतनी सब्जी अच्छी नहीं लगती, सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती जितने पराठे लगते हैं, आलू के हो या फिर बथुआ के हों, जिस चीज़ के भी हों पराठे अच्छे लगते हैं खीर के साथ में। तो अभी मैंने इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी मेथी भी डाली थी काट के, और बहुत ही टेस्टी बने थे पराठे। और तो आ जाइए आप सभी, अभी कान्हा जी को भोग लग चुका है, इसके बाद ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी। तो फ्रेंड्स, आज बन रहा है साग, दोपहर बने थे आलू के पराठे खीर, और अब बन रहा है साग। बच्चों का मन कर रहा था, अब तो वैसे भी आगे आगे साग अच्छा नहीं लगेगा, तो जाता जाता है साग बना लेते हैं। आगे आगे तो अब गर्मियों की सब्जी स्टार्ट हो जाएंगी, और बर्तन भी पड़े ही रहते हैं, ये देखिए। बढ़गी मेरी जैसे कुएं में से निकल लें ना पानी, इस तरह हम रस्सी खींच के दूध ले आवे, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो साग के साथ हम मक्की की रोटी बनाते हैं, पर हमारे द्वारा आटा नहीं है, मसाला में आटा गाँव में मिलता नहीं, गाँव में कोई चीज़ नहीं मिलती इसी वजह से मैं शहर में जा रही हूँ, शहर में सब चीज़ मिल मंगा मंगा के अब बना करूँगी, अब दिखा करूँगी। भाई देखिए नैना दुरानी बन गई हुई है यहीं पर नैना दुरानी गुप्त है। चाय बना रही है, और इनको मैं दिखा नहीं सकती,
और आप इनको देखने के लिए तरस रहे हो, तो इनका मुंह छोड़िए और मुझे देखिए बस। अब लगेगा कैमरा मम्मी के फेस पे। तरड़ देसी कहीं से होगी, लिफ्ट लगवानी पड़ेगी, लिफ्ट लगवानी पड़ेगी। क्या ले आए, बिस्कुट पता है कि पैकेट सारा खाए से है। और क्या है, ना छोड़ता कुछ भी। ये लीजिए फ्रेंड्स, आप मिलना चाहते थे तो फोन से पूछवा लेते, छोटे बेबी से तो मिल लीजिए। मिल मैं पूछूंगा। देखे तो नवैन भाई की भूख मिटाई जा रही है बिस्कुट। प्याज काट के गया हूँ। लहसुन मैंने छील के मम्मी को दे दिया था, तो मम्मी ने मानदिस्ते में लहसुन और अदरक का पेस्ट बना दिया है। और साग भी मैं मिक्सी में ले आई हूँ और करके, और यहाँ पे मैंने अलन डाल रखा है। जो साग का उबला हुआ पानी था उसमें मैंने अलन डाल लिया है। इसमें तेल प्याज डाल लिया है। इसके बाद अभी मैं इसमें अदरक और जो लहसुन था उसका पेस्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने मेथी भी ऐड कर ली थी शुरुआत में ही, जब तेल गर्म हो गया था। साग में छोंक लगाने के बाद अभी मुझे आटा भी बनाना है। तो अभी यहाँ पे मैंने सारा आटा वैसे छान के रख लिया था जब अलन देने के लिए, और अभी इसमें जब छोंक होने से लगा था तब मैंने इसमें थोड़ा सा वो डाल दिया है हींग। तो अभी छोंक मेरा तैयार है, मैं साग को इसमें डाल दूँगी। साग खूब खदक जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी मैंने इसमें एक हरी मिर्च भी डाल दी है। 4-5 हरी मिर्च मैंने उबालने में डाल ली थी और एक अभी काट के मैंने छोंक में डाल दी है। मक्का की रोटी खाने का भी आज वो कर रहा था मन, तो यहाँ पे मक्का का आटा है नहीं था, नहीं तो बना के देखते। फर्स्ट टाइम बनाती मैं, कैसे बनेगी तो देखते हैं। नेक्स्ट टाइम आटा मंगवा के रखेंगे और किसी दिन आप सबके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। देखती हूँ मैं भी कोशिश करके मुझसे बन भी पाएगी या नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई मक्की की रोटी। बस अपनी नानी को तो देखा है बनाते हुए, पर मैंने कभी ट्राई नहीं की खुद से। मेरी नानी तो इतनी अच्छी और टेस्टी मक्की की रोटी बनाती थी, मक्की की भी और बाजरे की भी सब उसकी बना लेती थी, और वो भी चूल्हे पे इतनी टेस्टी लगती थी बहुत ही ज़्यादा। मेरी सास के पांच उतर थे। हसी पहलावा चाहे कुछ हो, चाहे पायल है छनकाई, अब तू आ जा तू और जाए गाना इस बदल वाले गाना तो जैसे जैसे कि मेरे याद रह गया साया पल्लू लट पल्लू लट गया ओ पल्लू लट गया हमारा पल्लू लट। मैं ना ऊपर जूड़ा बना के देख रही थी, मुझे यहाँ पे जूड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं जिया से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। जिया बोल रही थी अच्छा लग रहा है, पर मुझे खुद से अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको खोल दिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी दो दिन से चल रही है, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मुझे कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ नया लेके आऊँगी, और कल शिवरात्रि भी है। आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्सरसाइज सुबह से स्टार्ट करा करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है।
तो सुबह से अब मैं रोज़ एक्सरसाइज करा करूँगी और अगर फ़र्क लगेगा तो आप सबके साथ में भी शेयर करूँगी। देखते हैं कितना वेट मेरा कम होता है एक्सरसाइज से। हिल क्यों रही? हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी लटकी रहती है। परसों को आ रहे हैं, परसों को आओगे? परसों को कनु रानी पीछे है। कैसे हो आप सब?